आज 3 मई है, कल से तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। ऐसे में मेरठ में प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी प्रक्रिया के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिक अपने अपने आधार कार्डों के साथ विभिन्न थानों और चौकी पर पहुंचे। आपको बता दें, मेरठ की इस्लामाबाद थाना नौचंदी और थाना सदर की अबुलेन चौकी पर प्रवासी श्रमिकों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। सबके हाथ में आधार कार्ड और पहचान पत्र थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, असम के रहने वाले इन प्रवासी श्रमिकों के लिए बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा बसों की व्यवस्था की जाएगी, जिसके तहत इन सब प्रवासी मजदूरों की लिस्टिंग की जा रही है। स्थानीय स्तर पर पुलिसकर्मी इन सब को सोशल डिस्टेंस के साथ खड़ा कर इनकी पहचान पत्र की कॉपियां ले रहे थे। फिलहाल सभी को इनके जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन प्रवासी श्रमिकों की इस संख्या को पहले मेरठ डीएम के पास भेजा जाएगा और वहां से लखनऊ, तभी इनके जाने के लिए कोई बस की व्यवस्था हो पाएगी। मदरसों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी इन लाइनों में लगे हुए नजर आए। सर, एक बार आपका नाम क्या? आपका जाहिद जी, कहां से आए और कहां के लिए खड़े हो आप लाइन में? पूर्णिया जिला जाना है, बिहार। तो कैसे पता लगा आपको कि यहाँ पर इस तरह पास मिल रहे हैं? ये क्या, पूरा थोड़ा सा बताओ जरा। यहाँ थोड़ा खाने पीने का दिक्कत हो रहा है। अच्छा, ठीक। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम है। विक्रम जी, कहाँ से आए हो और क्या था पूरा ये लाइन में लगे उसमें? ये सर रेस्टोरेंट में काम करते हैं, रेस्टोरेंट सारे फ्लॉप हो गए हैं, किराए भी नहीं है, खर्चा पानी भी नहीं है, इसलिए हम घर जाना चाह रहे हैं कि कुछ घर में जाके आराम करें। फिर यहाँ कुछ काम धाम नहीं है, खाली ठप पड़े हैं, तो खाने का गुजारा भी तो होना चाहिए ना। घर कहाँ पर है आपका? घर नेपाल में है। नेपाल में। तो कैसे पता लगा कि इस तरह सरकार जो है पास देना चाह रही है यहाँ पे? लाइन में पास मिला है, न्यूज में आ रहा है कि सब जगह का पास मिल रहा है, तो हो सकता है हमें भी पास मिले, इसलिए हम भी इधर आए ट्राई करने के लिए। सरकार ने क्या व्यवस्था की है, कुछ पता लगाओ? सरकार ने तो अब व्यवस्था क्या करी है कि अब भेज रहे हैं मजदूरों को, बोल रहे हैं कि जो दुर्गम क्षेत्र में पड़े हैं, बेकाम पड़े हैं, उनको घर भेज रहे हैं, बोल रहे हैं आने का। चलो ठीक है, फिर हम भी ऐसे ही पड़े हैं तो हम भी घर जा सकते हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरा टाइम तो काफ़ी हो गया सर, जब से लॉकडाउन है जब से तो यही है, फिर भी वैसे भी 1-1.5 साल से हम तो। क्या क्या दिक्कतें आई थी आपको इसमें? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, खाना भी खाए रहे थे, मिल ही रहा था। अब इतने दिन तक भी तो खाली बैठ नहीं सकते ना, अब तो राशन पानी भी नहीं है, किराया भाड़ा भी नहीं है, तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। लॉकडाउन का तो कोई पता नहीं है कि कितने दिन और बढ़ जाए, फिर और बढ़ जाए। ठीक, माहौल भी ठीक नहीं है, देखते देखते तो पता कुछ नहीं लग रहा ना। फिक्स डेट तो नहीं थी कि पहले तो 1 दिन की लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन बोलते बोलते तो ये 3-4 महीने भी जा सकता, कुछ पता नहीं है ना बीमारी का, तो इसी वजह से घर जाना चाहते हैं हम। ठीक, ऐसा ना, कल लॉकडाउन का जो 2 हफ्ते का टाइम बढ़ा था, उसकी वजह से गृह मंत्रालय से ऑर्डर हुए थे कि प्रदेश सरकारें अपने अपने जो प्रवासी मजदूर फंसे हैं उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे। वही हमारे यहाँ मैसेज आया था कि जिस थाना क्षेत्र में, चौकी क्षेत्र में जितने मजदूर फंसे हैं, वो वहाँ के थाना इंचार्ज साहब, चौकी इंचार्ज महोदय, वो उनके सत्यापन कर लेंगे और उनके अनुरूप उसी लिस्ट बना के उसके आधार पर श्रीमान डीएम महोदय को सौंपी जाएगी और जो सरकार की नीतियाँ होंगी उनके अनुरूप कार्य किया जाएगा। तो क्या चौकी वाल की तो लाइनें लगेंगी आपके यहाँ? अभी ये लोगों को अफवाह फैला दिया कि पूरे थाने की सब आउलेन पे ही बन रही है लिस्ट, तो लोग इकट्ठा हो गए, तो सोशल डिस्टेंसिंग के अनुरूप इन्हें खड़ा किया जा रहा है और जैसे अधिकारी आएंगे तो दिशा निर्देश किया जाएगा। क्या चौकी वाल ये सब चल रहा है? चौकी वाल और थाने वाल ये लिस्ट बनेंगे।